तो करीब 24 घंटे पहले गाजियाबाद पुलिस द्वारा अलग अलग जगह मुठभेड़ करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश करने की कोशिश हुई थी। तो इधर गाजियाबाद पुलिस को बदमाश दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर सुनार को गोली मारकर खुली चुनौती दे रहे हैं। गाजियाबाद में सराफा की दुकान को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की, हालांकि लूट की कोशिश में नाकाम होने पर बदमाशों ने सुनार के बेटे की छाती पर गोली दाग दी। पुलिस को लगातार बदमाशों से खुली चुनौती दी जा रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जहां एक तरफ लगातार गाजियाबाद मुठभेड़ के बाद चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो वहीं बदमाशों के हौसले भी लगातार बुलंद दिख रहे हैं। राकेश कुमार ने एक दुकान में जो बदमाश आया है, जो हेलमेट वगैरह पहन के आया था, हम लोग आके अंदर बात नहीं करा था, उधर नहीं आपस में बात होने से तुरंत एक आदमी दुकान का ऑनर है, उन्होंने हाथ पकड़ा था, उन्होंने तुरंत गोली चला था, वहाँ पर उनके साथ बैठा था लड़का है, लड़का का गोली लगी है पेट पर, अभी डॉक्टर से बात किया हमने, जो लड़का भी होटल कैंप है यहाँ पे कतरा से बाहर है, अभी बाकी चीज़ कटरा का दुकान में कोई नहीं दुकानदार का है, उनके साथ कोई सामान वगैरह लेके नहीं गए हैं, फिर भी हम लोग पूरा सारे एंगल में हम उसकी जाँच करेंगे कि घटना किस तरह हुआ है, इसके बारे में जाँच करेंगे और साथ साथ जो अपराधी है